क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे दो महान युगों के बीच एक ऐसा राक्षस था जो इन दोनों कालों में जीवित रहा? यह कोई सामान्य राक्षस नहीं था, बल्कि उसकी मायावी शक्तियों और अद्भुत निर्माण कौशल ने उसे असुरों और देवताओं दोनों के बीच प्रसिद्ध कर दिया। हम बात कर रहे हैं मयासुर की, एक ऐसा पात्र जिसने सतयुग से लेकर महाभारत के अंत तक अपने नाम को अमर बना दिया। उसकी जीवनी रहस्यों और चौंकाने वाली घटनाओं से भरी है। मयासुर कौन था, वह इतने युगों तक कैसे जीवित रहा और महाभारत के बाद उसके साथ क्या हुआ? आइए इस अनकही कहानी की परतें खोलते हैं और आपको मयासुर की अज्ञात गाथा की ओर ले चलते हैं। इस बबल वाटर फाउंटेन को फ्री में जीतने के लिए कमेंट में लिखे नाइस। हम सभी कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर की लिस्ट बना के रैंडमली किसी एक को सिलेक्ट करके उसके घर इस प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी करते हैं। आप देख रहे हैं अनसुनी भगवान कथा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मयासुर का जन्म सतयुग में हुआ था। वह एक असुर कुल से संबंधित था और अपनी अद्भुत वास्तुकला और तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उसकी ख्याति इतनी थी कि उसे असुरों के प्रमुख वास्तुकार के रूप में मान्यता मिली। मयासुर केवल मायावी महलों और नगरों का निर्माण ही नहीं करता था, बल्कि उसकी संरचनाओं में इतनी शक्ति थी कि देवता भी उसे चुनौती देने से कतराते थे। मयासुर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही लंका नगरी का निर्माण। जब रावण ने लंका को अपने अधीन किया तो उसने मयासुर से इस नगरी को स्वर्ण से ढंकने और इसे अभेद्य बनाने का अनुरोध किया। मयासुर ने अपनी अद्भुत वास्तुकला और तंत्र विद्या का उपयोग कर एक ऐसी नगरी बनाई जिसे केवल रामचंद्र जी ही नष्ट कर पाए। इस स्वर्ण नगरी के निर्माण ने मयासुर को असुरों के बीच महान बना दिया। रामायण में मयासुर का जिक्र उसकी बेटी मंदोदरी के कारण होता है, जो रावण की पत्नी थी। जब मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ तब मयासुर ने अपनी वास्तुकला का ज्ञान रावण को दिया। हालांकि मयासुर सीधे युद्धों में शामिल नहीं हुआ, लेकिन वह लंका नगरी का महान निर्माता था। मयासुर की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी मायावी शक्तियां। वह सिर्फ एक महान वास्तुकार नहीं था, बल्कि उसकी शक्तियां उसे अजेय भी बनाती थीं। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके सतयुग से लेकर द्वापर युग तक अपने आप को छिपाए रखा। जब राम रावण युद्ध हुआ तब भी मयासुर लंका में नहीं था। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर खुद को इस युद्ध से दूर रखा और इस तरह युद्ध के बाद भी जीवित बच गया। महाभारत के समय में मयासुर का पुनः प्रकट होना भी एक अद्भुत घटना थी। खांडव वन दहन के समय जब अर्जुन और कृष्ण ने वन को जलाने का निर्णय लिया तब मयासुर उसी वन में छिपा हुआ था। उसने अर्जुन से अपनी जान बचाने की विनती की और अर्जुन ने उसकी जान बख्श दी। बदले में मयासुर ने पांडवों के लिए मई सभा का निर्माण किया। यह सभा अपने आप में एक अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण थी, जहां भ्रम और मायावी गुण थे। मय सभा, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थित थी, मयासुर का एक और अद्भुत कार्य था। इस सभा में कई मायावी गुण थे, जैसे पानी और भूमि का भ्रम पैदा करना। दुर्योधन ने इसी सभा में भ्रम के कारण अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। यह मय सभा मयासुर की वास्तुकला की शक्ति का प्रतीक थी और महाभारत काल में भी उसकी ख्याति को अमर कर गई। महाभारत के युद्ध के बाद मयासुर का क्या हुआ, यह रहस्यों में छिपा है। यह माना जाता है कि उसने अपनी मायावी शक्तियों के माध्यम से युद्ध के बाद भी खुद को छिपाए रखा। उसकी मृत्यु या उसके जीवन का अंत कैसे हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि मयासुर ने अपने जीवन के अधिकांश समय में खुद को संघर्षों से दूर रखा और निर्माण कार्यों में लगा रहा। मयासुर की शक्तियां केवल वास्तुकला तक सीमित नहीं थी, उसने कई मायावी यंत्रों और महलों का निर्माण किया जो उसे एक मायावी असुर के रूप में पहचान दिलाते हैं। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहना और इन सभी युगों में अपनी पहचान बनाए रखना उसकी मायावी शक्तियों का ही परिणाम था। मयासुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और मायावी शक्तियां किसी को अमर बना सकती हैं। वह एक ऐसा पात्र था जिसने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक अपनी पहचान बनाए रखी। उसकी रचनाएं और वास्तुकला आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं में अद्वितीय मानी जाती है। मयासुर की गाथा अनंत रहस्यों से भरी है और यही रहस्य उसे पौराणिक कथाओं का एक अमर पात्र बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप मयासुर की इस अनकही कहानी से रोमांचित हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली बार हम आपको एक और अद्भुत कहानी से रूबरू कराएंगे।